सनसनी ऑफ इंडिया। 2 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाली KTM ड्यूक बाइक का इस्तेमाल कर 50 से भी अधिक स्नैचिंग और डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 स्नैचर्स को एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय मनीष पोद्वार और 24 वर्षीय निराला उर्फ मोहम्मद निजामुद्दीन के रूप में हुई है। दोनों JJ कॉलोनी बवाना दिल्ली के रहने वाले हैं। एनकाउंटर में आरोपी मनीष के पैर में गोली लगी है। थाना के एनकारजू मार्ग पुलिस स्टाफ ने अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय और जेल से जमानत या पैरोल पर रिहा अपराधियों की पहचान के लिए इलाके में घर घर जाकर और संदिग्ध जगहों पर पुलिस बैरिकेड लगाकर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। इलाके में सक्रिय अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए हेड कांस्टेबल सुनील, कांस्टेबल विक्की, कुलदीप और राकेश को सादे कपड़े व प्राइवेट मोटरसाइकिलों और कांस्टेबल राकेश व कांस्टेबल अंकित को पुलिस वर्दी सरकारी मोटरसाइकिल पर तैनात किया गया। टीम ने इलाके में मुखबिरों का जाल बिछाया, टेक्निकल व मैनुअल सर्विलांस और जगह जगह नाकाबंदी करके संदिग्ध लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। टीम को टिप मिली कि 2 स्नैचर गंदा नाला KNK मार्ग रोहिणी के आसपास लूटपाट जैसी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। टीम ने दोनों अपराधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जांच के दौरान टीम को खुफिया जानकारी मिली कि दोनों अपराधी लोडेड पिस्टल के साथ KTM ड्यूक 200 बिना बैक साइड नंबर प्लेट व DL6AZ5805 नंबर वाली बाइक पर एक बार फिर लूटपाट के इरादे से इलाके में आएंगे। 15 नवंबर 2021 को शाम 7:30 शमशान घाट KNK मार्ग पर पुलिस टीम ने अपना जाल बिछाया। आने जाने वाले सभी वाहनों व संदिग्ध लोगों की शक्ति से जांच शुरू कर दी। लगभग 6 घंटों के इंतजार के बाद 16 नवंबर 2021 की देर रात लगभग 1 बजे KTM ड्यूक 200 बाइक पर 2 संदिग्ध आते दिखाई दिए। मुखबिर ने उनकी ओर इशारा किया। पुलिस टीम ने संदिग्ध लड़कों को पकड़ने की कोशिश की और पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा, लेकिन दोनों बाइक सवारों ने यू टर्न लेकर भागने की कोशिश की। भागते समय आरोपियों ने कांस्टेबल राकेश को बाइक से टक्कर मार दी। तभी पीछे बैठे अपराधी ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी और 2 राउंड फायरिंग की, जिस पर पुलिस स्टाफ ने आत्मरक्षा में 1 राउंड फायर किया और पीछे बैठे अपराधी के दाहिने पैर में चोट लग गई। आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय मनीष पोद्वार और 24 वर्षीय निराला उर्फ मोहम्मद निजामुद्दीन के रूप में हुई है। दोनों JJ कॉलोनी बवाना दिल्ली के रहने वाले हैं। मुठभेड़ के समय आरोपी मनीष पोद्वार बाइक पर पीछे बैठा हुआ था। आरोपी व्यक्तियों के पास से 1 32 बोर पिस्तौल, 2 इस्तेमाल कारतूस और हाल के दिनों में विभिन्न अपराधों में इस्तेमाल की गई 1 KTM ड्यूक 200 बाइक नंबर DL6AZ5805 बरामद हुई है। मुठभेड़ में घायल कांस्टेबल राकेश व आरोपी मनीष पोद्दार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिया स्टेशन के एनकारजू मार्ग में आरोपियों के खिलाफ FIR संख्या 498/21 अंडर सेक्शन 186, 353/332, 307/34 व 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी मनीष पोद्दार कुख्यात स्नैचर है और इससे पहले 37 वारदातों को अंजाम दे चुका है। यह पुलिस टीम पर हमले के 2 मामलों में भी शामिल है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो अपने सहयोगी निराला उर्फ मो निजामुद्दीन व अन्य साथियों के साथ मिलकर रोहिणी व आसपास के इलाके में स्नैचिंग व डकैती की करीब 15 वारदातों को अंजाम दे चुका है। दूसरा आरोपी निराला उर्फ मो निजामुद्दीन पहले भी चोरी, स्नैचिंग, डकैती और हथियार अधिनियम के 19 मामलों में शामिल पाया गया है। उसने यह भी खुलासा किया है कि वो मनीष पोद्दार के साथ विभिन्न अपराधों में जुड़ा हुआ है। दोनों आरोपियों से अन्य मामलों में संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे की जांच की जा रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।